केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वदेशी नु अपनाना है, घर का स्नेहा पहचाना है। स्वदेशी नु अपनाना है, घर का स्नेहा पहचाना है। भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, स्वदेशी नु अपनाना है। भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, स्वदेशी नु अपनाना है। भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है, स्वदेशी नु अपनाना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। चाइना अगर भारत से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। चाइना अगर भारत से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीयों का एक ही नारा, चीनी उत्पाद नहीं हमारा। भारतीयों का एक ही नारा, चीनी उत्पाद नहीं है हमारा। भारतीयों का एक ही नारा, चीनी उत्पाद नहीं है हमारा। भारतीयों का एक ही नारा, चीनी उत्पाद नहीं है। हाँ सर, जिहड़ा तुसीं अज चाइना के खिलाफ जिहड़ी मुहिम छेड़ी है, अज तुसीं गुरु गोबिंद सिंह सूर्य किले विच आम जनता नूं चाइना के समान तो उन्होंने पैम्फलेट दिते, इहदे बारे की कहना चाहोगे जी? अज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने अज 6 दिन हो गए है, असी जलंधर के जगह जगह कोने कोने ते जाके नौजवानों बुजुर्गों मातावां प्रार्थना कर रहे हैं कि चाइना के समान का बहिष्कार किया जाए। यही देशभक्तों शहीदों नू सच्ची श्रद्धांजलि है। और असी अज ये मुहिम का साढ़ा 5वां दिन है। भगत सिंह चौंक, शहीद आजम ऊधम सिंह चौंक, इन क्रांतिकारी वीर के चौंकों चो नौजवानों संकल्प दवाया है कि क्रांतिकारी वीर जिन्हों की इमानत अज देश साडा आज़ादी का आनंद माण रहा है, इहदे विच कोई भी जरूरत करेगा ख्यानत करन दी ते भारत देश का नौजवान चुप नहीं बैठेगा। इस करके मुहिम चलाई गई है कि हर भारत वासी के घर घर तक साडा सारे नौजवानों का कर्तव्य बनता है, सारिया समाजिक सारिया राजनीति पार्टियां का कर्तव्य बनता है कि चाइना नूं हुण सबक सिखाया जाए। और भारत का बनिया समान जदों भारत का 130 करोड़ नौजवान देशवासी मातावां पैणा निर्णय ले लैणगियां ते भारत नूं विश्व गुरु बनन वास्ते कोई रोक नहीं सकता। सर किन्ने दिन मुहिम चलेगी तुहाडी? इह मुहिम हजे निरंतर 8-10 दिन होर साडी मुहिम चलनी है। और पूरे भारत देश के अंदर नौजवान जगह जगह जाके संकल्प दवा रहे हैं। उन्होंने नौजवानों का भी धन्यवाद करता हाँ कि जिहड़े सड़कों ते उतर के जिन्होंने मातृभूमि नाल प्यार है, जिन्होंने देश नाल प्यार है, जिन्होंने अपना कर्तव्य पता है कि साडा भारत देश सुरक्षित रहेगा,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 59 ਐਪ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਣੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਪਸ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज चैनल KPD News हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखें।